Hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha. And you're watching Beat Blaster. So, guys, आपके लिए आ गया नई वीडियो एंड आज की वीडियो होने वाली है अनुराग दोबाल UK07 की वीडियो होने वाली है. उनके कुछ मीम्स हैं और कुछ फनी सी वीडियो हैं या उनसे रिलेटेड कुछ भी है, ठग लाइफ वाले मोमेंट या कुछ भी है थोड़ा बहुत, तो वो हम लेके आ गए हैं भाई. अनुराग के साथ जो हो रहा है ना बिग बॉस में भाई, वो अलग ही लेवल का हो रहा है. अनुराग ने पता नहीं कितनी बार कह दिया कि एंट्री लेनी है, वॉलंटियर एग्जिट लेनी है, बट ले नहीं पा. वॉलंटियर एग्जिट मतलब अच्छा खुद छोड़ के जाना, छो वापस नहीं आ सकता वो बंदा दोबारा, है ना. 2 करोड़ देने के लिए तैयार है, ये नहीं हो तो भाई मैक्सिमम बंदे चल जाए ना 2 करोड़ के. बट एक रीजन और भी होता जाने का, चुपचाप पड़े रहो, किसी से बात मत करो, शांत रहो, अगले वीक नॉमिनेट होंगे खुद बाहर चल जाएंगे. बट एनीवेज वीडियो देखते हैं ये अनुराग की और फिर बताओ बाकी बातें डिस्कस, देखते हैं भाई कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है. जी बिग बॉस, ये जो आप नॉन स्टॉप क्रांति की मशाल बनकर यहां वहां जाकर अलग अलग मोहल्ले वालों के पास जाकर उनके कान भरने में लगे हुए हैं, कभी आप ये शिकायत करते पाए जाते हैं कि ये शो कुछ लोगों की तरफ ज्यादा ही पार्शियल है. कभी किसी को कुछ भी मिल जाता है तो आप रोने लग जाते हैं कि इसको ये क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला. मैं यहां इसलिए थोड़े ही ना आया हूं, मैं यहां कोई ऑडिशन देकर थोड़े ही ना आया हूं, मुझे तो ये लोग खुद ढूंढ कर लेकर आए थे. तो प्लीज आप में से कोई बाबा को ये बता दीजिए कि बाकी मोहल्ले वाले भी मेरे सेट के बाहर कोई लाइन लगाकर नहीं खड़े हुए थे, बिल्कुल वो भी यहां ऐसे ही आए हैं. तो बाबा ये सब सुन सुनकर अब मेरे दर्शकों और आई एम श्योर मोहल्ले वालों के कानों से भी अब खून निकलने लग गया है. कुछ भी नहीं बोल रहा, मैंने सुना, मैंने और फिर मैंने कहा कुछ भी नहीं बोल रहा. अरे अभी मैंने सुना, अभी मैंने सुना, बीच में मत कर कुछ बात. चल मना रहा, इधर देख. हाँ ठीक, कुछ भी मत बोल. चल पगला रही है, कुछ भी मत बोल. चल मना रहा, जो सुना वो बोला मैंने. सुन इधर देख ना, इसको कुछ आता है और यहाँ से वहाँ जाके बोल रहे हैं, वहाँ से यहाँ जाके बोल रहे हैं. कोने में बैठे हैं लोग, तुम्हारे मजे ले रहे हैं. सुन के लूंगी क्या मैं पचकाने की? तो पता नहीं, मुझे तो कभी कभी लगता है भी कैसे यहाँ पे, मेरे समझ के बाहर. सीरियसली सर बोलता है ब्रो सुना, उसके अलावा उसका आता क्या करके फेंकना, बस ये देरी है क्लीनलीनेस की. तो करे फिर, मेरा भी काम कर ले, अगर इतनी गंदगी लग रही है उसको. तो देख ईशा को एक टारगेट, ईशा का बेड, खुद की हालत सब खराब. जिसको अगर मुझे भी मिलता ना, अगर मुझे बोलते बिग बॉस, तो मैं भी किसी को पकड़ कर दे देती. इट्स एज सिंपल एज दैट. बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल. और मैं जैसी हूं मैं ऐसी ही रहती हूँ. मैं किसी के आड़े नहीं आ रही, मैं अपने काम पूरे करती हूँ. तुम्हारे को कोई तकलीफ नहीं दे रही. अंकिता. यस बिग बॉस. बाबा की संगत में आप भी वैसी ही हो गई हैं, मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं. अच्छा एक चीज और नोटिस करी इस सीजन में कि बिग बॉस ना बहुत ज्यादा बोल रहे हैं. हाँ, बहुत ही ज्यादा ना. पहले नहीं होता था इतना, पहले होता था कि पहले होता था सिर्फ टास्क के टाइम पे बोलेंगे या टास्क खत्म होने के बाद दोपहर को बोलेंगे, तब बोलेंगे ना खत्म होने के बाद या कुछ, है ना. हाँ नहीं तो दिन में 2-4 बार पहले मतलब तरसते थे कि बिग बॉस क्या बोलेंगे बाद में. हाँ अब तो भाई बीच बीच में हर एक को टोकना, हर एक को रोकना. तो मैं चला जाऊंगा. मैं सचमुच चला जाऊंगा. चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ. अरे तू जा रही है भाई साहब? अरे तो वो वाली भाई का मनोवर, ये तो उनके पास है, जॉन सर के पास. हाँ वही वाली है, वही सी बाइक. बाइक देखो क्या मस्त लग रही है. देखा तेरे लिए बनाया ना, तेरे बदे कन्विंस कर लिया उन्होंने. क्या कितने दिन बाद बाइक देखी मैंने यार, सबने उतने दिन बाद ही देखी. सही बात है. बाबा जी बिग बॉस, इससे पहले कि मैं बोलूं कि ये प्रक्रिया यहीं खत्म होती है, कोई शिकायत हो तो अभी बता दीजिए. बिग बॉस कोई शिकायत नहीं है, बस घर वालों की टेंशन है कि घर वाले कैसे हैं, दैट्स इट. और कोई टेंशन नहीं है बिग बॉस. इस प्रक्रिया को लेके कोई भी शिकायत नहीं है? नहीं बिग बॉस, कोई भी शिकायत नहीं. मोहल्ले वालों 2 मिनट दे दीजिए मुझे, मैं थोड़ा सा ओवरवेल्म फील कर रहा हूँ, बहुत इमोशनल हो रहा हूँ. सब टायर्ड, सबको बाहर जाना है. अब मैंने सबसे दोस्तियां कर लिया है, इसके बियॉन्ड अब मैं डिवाइड और रूल गेम होते हुए नहीं देख सकती. तेरे को कौन बोल रहा है ये सारी चीजें? तेरे को पता नहीं है क्या हो रहा है, तेरे को वैसे भी 2 हफ्ते बाद समझ आता है.
अनुराग बाबा जरा सामने आए और पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठ जाए। ऑटोमेटिकली मैं फंस जाता हूँ। अनुराग बाबा की जय। चलिए आप सब बोलिए एक बार जोर से अनुराग बाबा की। बाग वालो, स्ट्रैटेजी वालो जी, आपके मकान में ज्ञान की मूरत है, महानता की स्वयं एक सूरत है। आपके मकान में तो इस मोहल्ले की काफी पहुंची हुई शख्सियत अनुराग बाबा जो पाए जाते हैं। अनुराग बाबा की जय। बाबा जी बिग बॉस, थोड़ी दिशा दिखाएं, क्या लिखा है जरा पढ़कर तो सुनाएं। सही इंसान का सही जगह पे सही टाइम पे होना जरूरी काफी है, वरना हो जाती बहुत बड़ी नाइंसाफी है। वाह, ऐसा लगा कि बाबा ने पूरा ज्ञान का भंडार खोल दिया है। सही है। ग्रेस पीरियड का क्या होता है? मतलब ये बिग बॉस कि नो आपको बस रहने दीजिए, हमें रहने दीजिए। अनुराग बिग बॉस, नॉमिनेशन की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है, तो बिग बॉस मैं रूम में चले जाता हूँ। कि पहले तो दो लाइनें बोली, अब वो दो लाइनें के बाद अगर हम भिड़ भी गए तो वहां पर इन्हें खड़े रह करके ये क्लियर करती। इसी से नहीं, उसको ये लगा उसकी वो कंफ्यूजन हो गया और उसके ऊपर ब्लेम आ गया सारी चीज। और होता यही है साला, मैं लोगों के स्टैंड लेता हूँ लास्ट में, इसके ऊपर ही आता है उस घर का तो सारा ब्लेम आ ही जाता है इसके ऊपर। सारी उम्र में जो तेज बढ़िया जी, आप बताइए कि घर का जीरा कौन है? जीरा वो जो हर सब्जी में होता है, हाँ, लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन इसके मायने बहुत होते हैं। जीरा कैन बी बाबू भैया, हर कॉन्वर्सेशन में होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। सारी उम्र कोई भी एरा गहरा नत्थू गहरा आप तो कुछ भी बोल रहे हैं, गुंडे पाल रखे हैं तुमने शो में। देख मैं तेरे को इसलिए बताता हूँ क्योंकि तूने लोगों को वो दायरा दिया है, मेरे से आके कोई क्यों नहीं बोल सकता। मैंने लोगों को लिमिट बताई, सबके साथ मेरी लिमिट है। अगर आपको ये खेल मैं वर्सेस आप ही बनाना है तो चलिए, चैलेंज एक्सेप्टेड। बिल्कुल बिग बॉस, आप करिए अब अपना रोना धोना, अब सामने से भी मेरा वार जरूर आएगा। आप करिए अपनी 100 सुनार की, सामने से एक लुहार वाला जवाब भी मेरी तरफ से जरूर आएगा। वादा है मेरा अनुराग, अब तैयार रहिएगा आप। बिल्कुल था, गलत पंगा ले लिया अनुराग भाई ने। कौन कौन जो है मुनावर के हक में है, कौन कौन जो है यूके जीरो सेवन। बट एक चीज अब सोचने वाली है कि बिग बॉस क्यों ट्रोल कर रहे हैं? अगर आपस के घर की बात है वो अलग मैटर है, यार ये हर सीजन में आता है। बिग बॉस भी करते हैं हर किसी को पर्टिकुलरली एक बंदे को ट्रोल, ऐसे ज्यादातर कम्युनिकेशन करते हैं, बट कभी कभी अगर करेंगे तो उस बंदे को बोलते हैं। बस उसी को पकड़ के रखा और किसी को नहीं पकड़ा, पूरे हाउस में बस इसको पकड़ के रखा है। इतनी इंटरफेरेंस हो रही है, इतनी नहीं होती, बट होता है कोई एक ना बंदा ऐसा होता है जिसको सारे ट्रोल करते हैं मिलकर। सारे यार कौन है, मेरे को तो नहीं दिखा यार कभी। अब पिछला सीजन था एलिवेशन का, उनमें भी कोई नहीं था, एंड उससे पिछला सीजन था एमसी स्टैन का तो उसमें भी कोई नहीं दिखा, सिद्धार्थ सिंह के सीजन में भी कोई नहीं था, रूबीनन के सीजन में भी कोई नहीं था। बट इसको कुछ ज़्यादा ही कर दिया भाई, बहुत ही ज़्यादा, कि उसको डिप्रेस्ड ही करा दिया पूरा का पूरा, उसको उठने नहीं दे रहे कि एग्जिट तक ही पहुँच गया भाई, वो वॉलंटियर एग्जिट तक ही पहुँच गया। सो बाकी तो एनीवेज यही थी वीडियो, एंड अगर आप चाहते हो हम और ज़्यादा वीडियो बनाए यूके 07 राइडर की तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।